यूपी के बांदा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक महिला अपने पति से परेशान होकर पुलिस के पास पहुंच गई। महिला का आरोप है कि वो ससुराल पहुंची तो कमरे में ताला लगा था। पति से चाबी मांगने पर उससे मोबाइल छीन लिया गया, जिसके बाद महिला ने आरोप लगाया कि उसके फेसबुक अकाउंट को हैक करके आपत्तिजनक पोस्ट किए गए, जिसकी शिकायत उसने 1090 सहित पुलिस से की, जिस पर पति ने मारपीट करके घर से निकाल दिया। उसने ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने महिला थाना में आरोपी पति सहित 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि शहर कोतवाली की रहने वाली एक महिला ने एसपी से शिकायत के दौरान बताया कि बीते दिन वो अपने ससुराल पहुंची, पति से कमरे की चाबी मांगी तो वो गुस्से में आकर बुरी तरीके से मारने पीटने लगा। पत्नी का ये भी आरोप है कि उसका मोबाइल छीन लिया गया, जेठ ने गले में पड़ी चेन ले ली। महिला चौकी पहुंची, जहां उसने पुलिस में शिकायत की, जिस पर पुलिस ने उसके ससुराल वालों को पकड़ लिया और बाद में नियमानुसार कार्रवाई करके छोड़ दिया। महिला का ये भी आरोप है कि घटना के पहले पति ने उसका फेसबुक अकाउंट हैक कर लिया था, जिससे आपत्तिजनक पोस्ट किए थे, जिसकी शिकायत पोर्टल और पुलिस से उसने की थी। आरोप है कि FIR दर्ज नहीं हुई, जिसके बाद पति ने उसे घर से निकाल दिया, जिससे परेशान होकर पत्नी SP ऑफिस पहुंची और उसने मामले में कार्रवाई की मांग की है। पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, चलिए सुनवाते हैं आपको। पीड़िता की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में महिला थाने के अंतर्गत अभी पंजीकृत किया गया है। विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार विवेचना पूर्ण की जाए। वाकई जो महिला आरोप लगा रही है, अगर उनमें सच्चाई है तो बहुत ही अजीबोगरीब और गंभीर मुद्दा है। यहाँ पर कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि अगर महिला के आरोपों में सच्चाई है तो कैसे एक पति अपनी पत्नी के साथ बर्बरता कर सकता है, और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि आखिर कब तक सोशल मीडिया का इस तरीके से दुरुपयोग होता रहेगा। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।